आओ लोगों तुम्हें बताएं टीबी की कहानी। हो सकता है ये किसी को राजा हो भिखारी। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है अपनी कंट्री के लिए। हम लोग, हमारा देश हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हमारा क्या योगदान है देश के लिए, एक तो ये होता है कि जहाँ पे हम हैं उस काम को हम अच्छी तरह से करें, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरह से करूँ। लेकिन मेरे मन में हमेशा जिस चेयर के ऊपर मैं बैठी हूँ वो डील करती है टीबी के पेशेंट्स के साथ। सो एक साल हो गया मुझे पेशेंट्स के साथ डील करते हुए, फील्ड में जाते हुए, लोगों से मिलते हुए। कहीं ना कहीं मुझे एक महसूस होता था कि हम लोग जो हैं उनको वो चीजें नहीं पता लग रही जो गवर्नमेंट उनको प्रदान कर रही है। वो कोशिश हमने पूरी की, हमने सारी तरह से अवेयर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत सारे लोग हुए भी, हम लोग हमें मिली उसमें, हमें सक्सेस मिली। लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बींग अपनी कंट्री के लिए और जिस पोस्ट के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ थी, मेरे मन में एक कश्मकश सी रहती थी। सो वैसे ही चूंकि हमारे जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे, हमें इतना बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए, लेखिका में हूं नहीं, गायिका में हूं नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक ट्रिब्यूट कैसी रहती है ये, मैं किसी और से गवाती, वो इमोशंस हो सकता है वो नहीं आ पाते, मैं किसी और से ये गाना लिखवाती तो जो मैं प्रस्तुत करना चाहती थी हो सकता है वो नहीं हो पाता। सो मेरा एक छोटा सा एक कोशिश थी, वो मैंने लेखनी के रूप में एक प्रस्तुत की। फिर सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं देखूं कि क्या मैं इसको गा सकती हूं या नहीं। सो मैंने एक छोटी सी प्रयत्न किया जो मुझे कुछ हद तक लगा कि ठीक था। जब वो सांग मैंने बनाया, मुझे लगा कि हाँ ये अब एक बन गया हुआ है, इसको मैं अपनी समर्पित कर सकती हूँ अपने देश के लिए। प्रधानमंत्री का स्लोगन है टीवी हारेगा देश जीतेगा। सो वो हेडिंग, ये जो मैंने एक सॉन्ग बनाया वो मैंने डेडिकेट किया प्रधानमंत्री को उनके उस स्लोगन के लिए जिसमें उन्होंने बोला टीवी हारेगा देश जीतेगा। और वो मैंने 15 अगस्त को रिलीज किया ताकि, और सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है नाउ डेज की, वो हर कहीं पे भी, अगर हम चोटी, पहाड़ की चोटी पे भी हैं तो वहां पे भी आजकल हर किसी के पास मोबाइल्स हैं और सोशल मीडिया के साथ वो कनेक्टेड है। सो मैंने सोशल मीडिया को इसलिए चुना कि मैं उनके जरिए ये मैसेज अपने हर दूर दराज इग्नोरेंट लोगों के पास पहुंचे, जहां पे हमारे पैम्पलेट्स हो सकता है नहीं पहुंच पाए या कुछ कोई हमें दिक्कत आ रही है, तो वो उनके पास जब वो अवेयर होंगे उनको पता लगेगा कि उनको क्या क्या मिल रहा है। और हमें ये बीमारी छुपानी नहीं है, हमें आगे आके इस बीमारी का बताना है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कितना बेनिफिट मिलेगा और हम इस बीमारी को अपनी इस प्रांत से, देश से हम इसको दूर कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके पास हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जब तक ये मैसेज किसी के पास नहीं पहुंचेगा, कोई हमारे पास नहीं आएगा, हम उनके पास नहीं पहुंचेंगे तो हम ये बीमारी को दूर नहीं कर सकते। सो एक छोटा सा प्रयास है कि इस गाने के जरिए हर कोई अवेयर हो जाए, वो हमारे पास आए और हम उनके पास जाएं, वो हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आए, हम उनके पास पहुंचे, हम उनके एरियाज को कवर करें, हम उनका स्क्रीनिंग करें, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके इस देश से, अपने प्रांत से, अपनी स्टेट, अपने यूटी से, अपने देश से, अपनी दुनिया से इस बीमारी को खत्म कर पाए और आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा सा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दें।